गाड़ी के अभी अलाइनमेंट करवाना है वो और व्हील बैलेंसिंग हुआ क्या था कि मेरी गाड़ी जो है उसके पैसेंजर साइड के आगे वाले टायर में बल्ज आ गया था, जिस वजह से मेरा टायर वारंटी में क्लेम हो रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ बल्ज आया कैसा था। एक बार तो ये रहा बल्ज, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा सीन क्या है, तो एक टायर जो है वो हमारा वारंटी में क्लेम हो रहा है, तो अब उसका सीन ये है जितना वो घिस चुका है उतने पेमेंट हम करेंगे और उसके बाद नया टायर हम ले लेंगे, हमको फ्री मिल जाएगा वो ऑलमोस्ट। तो 1700 रुपये हमको देने हैं एंड वी गेट अ न्यू टायर। जो टायर अभी आता है 6500 का, ये टायर नया है तो हमने जितना यूज़ करा हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। सीगेट का ही हिसाब है तो वो मेजर करते हैं कितना टायर घिस चुका है। तो ये 7.5 mm का होता है, उसमें से मेरा 1.9 something mm घिस गया है, उस हिसाब से सारा कैलकुलेट करके 1700 रुपये बन रहे हैं, तो वो हम पे करेंगे और नया टायर आ जाएगा। तो मेरी कैलकुलेशन ये है कि नया टायर एक आ गया, स्टेपनी वाला टायर प्रॉपर नया एक बार भी यूज़ नहीं किया वो भी आगे लगा देंगे और बाकी पीछे कर देंगे और स्टेपनी वाला ये कर देंगे। तो आगे के दोनों टायर जो मेरी फ्रंट व्हील ड्राइव है दोनों टायर नए हो जाएंगे, वो उससे ओवरऑल बेटर ही है, वो कम टायर कम घिसेंगे लेट घिसेंगे थोड़े। तो ये मिडिल क्लास दिमाग चला है मेरा, थोड़ा मोटा वाला कट चुका है। स्टेपनी में जो हमारा टायर है 15 इंच का है तो वो नहीं हो सकता, तो करेंगे कुछ तो जुगाड़ आगे पीछे वाला हिसाब करेंगे कोई। बाकी हुंडई को देना चाहिए यार, स्टेपनी में 16 इंच तो बनता है, 15 तो बहुत कम है। खैर आ चुका है हमारे लिए, अब ये लगेगा हमारा। भाई ये देखो ये मशीन है, ये टेस्ट करती है पूरा, और यहाँ ये जो लिखा है ना 10, यहाँ लिखा था कि यहाँ पर कितना वेट लगाना है, हर 5000 किलोमीटर के बाद ये कराना होता है। इस गाड़ी में अब सारे टायर वाला हिसाब करने के बाद आगे के दो टायर ब्रांड न्यू नए हैं, पीछे वाले टायर जो थे वही हैं, बिल्कुल नहीं छेड़े गए, स्टेपनी जो थी वही है, एक बार भी यूज़ नहीं की है। एक टायर मेरे को 1500 रुपये का पड़ा, एक टायर मुझे 1700 रुपये का पड़ा। ये टायर की ना ग्रिप होती है वो 7.5 mm की होती है, जितनी ग्रिप घिस चुकी होती है उतने पैसे तुम्हें देने होते हैं। तो एक टायर थोड़ा ज़्यादा घिसा था, एक कम, एक 1.5 mm कुछ था, एक 1.9 mm कुछ था। सीएट की एक ऐप है जो वहीं पर सर्विस सेंटर वाला मदनगिरी में जो मेरा वाला बंदा पड़ा था उसने करा था, ऑन द स्पॉट उसने मेजर करा और सारा हिसाब करा था। तो भाई अगर कमेंट सेक्शन में तुम्हारे और कोई क्वेश्चन है तो बता देना, मैं पक्का जवाब दूंगा। और आजकल भाई व्यूज़ भी आ रहे हैं, मैं लाइक भी कर रहा हूँ और मतलब अच्छा है, मैं तुम्हारे कमेंट्स के भी रिप्लाई कर दूंगा। तुम तो मस्त करो करो भर के करो।